वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज वैसे कितनी है, आज है 26th of September, सैटरडे का दिन है आज। और आज मैं करने जा रहा हूँ फिर से एक नया फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। तो आज जो मैं खाने वाला हूँ वो है आई ओनली ईट वाइट फूड फॉर 24 आवर्स। आपने बहुत सबको देखा होगा कि 24 आवर्स वाइट फूड में किया है उन्होंने चैलेंज, पर मैंने सोचा कि वाइट फूड में चैलेंजिंग एज सच तो इतना कुछ है नहीं है, क्योंकि खाना जो है ईजिली अवेलेबल हो जाएगा वाइट फूड में। तो मैंने इसमें एक अपना ट्विस्ट दिया है, और ट्विस्ट ये है कि मुझे वाइट फूड में सिर्फ हेल्दी खाना खाना है। तो ये मेरा ट्विस्ट है और बहुत चैलेंजिंग है कि मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा कि वाइट फूड में क्या क्या हेल्दी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है और मैं क्या क्या खा सकता हूँ फॉर 24 आवर्स। मतलब जो चैलेंज का नाम ट्विस्ट के साथ आता है वो है आई ओनली एट वाइट कलर्ड हेल्दी फूड फॉर 24 आवर्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज, और फिर मैं मिलता हूँ आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे कि देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या होने वाला है। सो टडा गाइस, देखिए हमें जो हूँ रेडी हो चुका हूँ और गुड बॉय जैसा बन गया हूँ। और मैंने देखिए वाइट पहन लिया है क्योंकि आज क्या है, वाइट कलर चैलेंज। और अब हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हम क्या खाने वाले हैं वो तो अब जाके पता चल गया, क्योंकि मम्मा बना रहे हैं ब्रेकफास्ट मेरे लिए स्पेशली वाइट कलर में, वो भी हेल्दी। तो हेल्दी में देखते पूछते उनसे क्या बना रहे हैं वह हेल्दी में। तो मम्मा हाय, तो आप क्या बना रहे हो मेरे लिए हेल्दी, क्या ये सब्जी का चिल्ला? तो वाइट कलर में ही होगा ना ये? और तो देख ले भाई, मिलते हैं आपको सीधा ब्रेकफास्ट खाते टाइम। तो हमारा ब्रेकफास्ट अब रेडी है, ऑफ वाइट कलर का है पर चल जाएगा काम। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है फाइनली, देखिए इसे लग रहा है ना वाइट कलर का, पूरा वाइट है, वाइट कलर का ये खाएंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा लंच में, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है अब हमारे लंच में। तो अब लंच का टाइम हो गया है। जनरली क्या हुआ कि मैं सो गया हुआ था और अभी एग्जैक्टली बज रहे हैं 3। तो अब 3 बजे में मैं लंच बनाने वाला हूँ। तो वैसे चावल मैंने रख दिए हैं बनाने के लिए, और मैं अब बनाने वाला हूँ कर्ड राइस। तो कर्ड राइस एक हेल्दी ऑप्शन है जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा होता है और लाइट होता है आपके पेट के लिए। तो मैं कर्ड राइस खाने वाला हूँ, तो उसी के लिए बनाना है, सिंपल से स्टेप्स है, फॉलो कर लेना। कर्ड राइस के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है ऐसे करके। और तड़के के लिए मैं सिर्फ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और मस्टर्ड सीड्स यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे तड़के के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है, और यहाँ मेरे चावल बन चुके हैं। जैसे मुझे घर वाले पीछे से बुला रहे थे, अब कह रहे हैं कि हम भी वही खाएंगे जो तू खा। मतलब देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया हुआ है, ब्लैक ना हो जाए। गार्लिक डाल देंगे, देंगे अपनी चिली, तो यहाँ पर मेरा तड़का जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चावल को इसमें डाल रहा हूँ, देंगे नमक। अब क्या करेंगे, तड़का लेंगे और इस पे मार देंगे। मारने के बाद हम एक अच्छा सा इसको स्टर देंगे,
और जो है इसको हम कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। तो देखिए हमारे कर्ड राइस अब रेडी हो चुके हैं, ये वाइट कलर के ही हैं। इसमें ग्रीन चिली है वो मैं निकाल लूँगा और अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारे कर्ड राइस तैयार है और हम अपना लंच करने जा रहे हैं। तो चलो लंच करते हैं और चखते हैं कैसे बने हैं ये। हेल्दी ऑप्शन इन वाइट। अब भी खा लो खा लो खा लो। माँ आपको कैसे लगे? अच्छा खाओ फिर। तो मेरा लंच अब खत्म हो चुका है, अब हम आपको मिलेंगे सीधा स्नैक्स टाइम पे। ज्यादा ही हो गया कुछ। सिर दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिया ना तो सिर दर्द हो रहा है। वैसे मैं तो चाय नहीं पीता पर मुझे मॉर्निंग के टाइम पे चाय पीना जरूरी होता है, इसलिए सिर दर्द हो रहा है बड़ा। जबकि मैं भी एक बारी सो चुका हूँ। हेलो गाइस, तो इवनिंग स्नैक टाइम हो चुका है, तब हम बनाएंगे इवनिंग स्नैक शाम के लिए। तो इट्स करंटली 6 PM राइट नाउ एंड स्नैक्स के लिए वाइट चीज हेल्दी में बनानी है, तो मैं आलमंड मिल्क बनाने लगा हूँ। उसके लिए जो है मैंने आलमंड्स को जो है यहाँ पर भिगो के रखे थे और मैंने उसका कवर निकाल दिया है एंड इट लुक्स वाइट इन कलर। वाइट कलर में आ रहे हैं ये देखिए वाइट कलर। सो अभी हम बनाने जा रहे हैं आलमंड मिल्क। तो हमने ये जार ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 glass ऑफ मिल्क। अभी जो है यही लेट्स गो, टाइम टू ऐड आलमंड्स जो कि ऐसे ऐसे चाहिए। तो हमारा ये आलमंड मिल्क तैयार हो चुका है और ये मैंने थोड़े से नट्स ले लिए हैं जिसमें है आलमंड्स और कैशूज। तो हम पीते हैं। और मिलते हैं फाइनल मील ऑफ द डे जो कि है डिनर। डिनर टाइम में मिलते हैं। तो मैं बनाने जा रहा हूँ रवा इटली। तो डिनर में हम खाएंगे रवा इटली, ये है इनो। मैंने बैटर को बना के रखा हुआ था और इट्स मतलब 1 घंटे पहले बना कर रखा हुआ था, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था बैटर में, सिर्फ हमने यूज़ किया है रवा दही और पानी और नमक स्वाद अनुसार। और अब जब मैं यूज करने वाला हूँ इसे तब मैं इसमें इनो मिला रहा हूँ एक पैकेट का। फ्लफ्स बने इटलीज। नाउ हमारा बैटर इज रेडी, लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग। ओह इटली मेकिंग इटली। तो हम उसे निकालते हैं और देखते हैं कि वो फाइनली बन चुकी है या नहीं। बन गई।
तो मिलते हैं प्लीटिंग करके आपको करने के बाद। तो हमारी इडलीज अब स्टीमर से निकल चुकी हैं, अब हम इसे में से निकालेंगे इसे और फिर खा दें। तो फाइनली हमारा डिनर तैयार है और है इडली और नारियल की चटनी जो कि वाइट कलर की, ये थोड़ा ऑफ वाइट कलर की है पर चलेगी और दौड़ेगी भी। तो हम इसे टेस्ट करते हैं और खाते हैं। तो अब हम इडली खाने वाले हैं चटनी के साथ, तो खा रहे हैं, आप भी खाइए पहले ही वाइट। हम इसको ख़त्म कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइज आई एम फाइनली डन विद द डिनर और बहुत ही टेस्टी बनी थी इडली और नारियल की चटनी। नारियल की चटनी पापा ने बनाई थी तो लाइक ऑसम थी, जैसे बाहर हमें हम खाते ना वैसी वाली लग रही थी। तो अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट मील हो गया है डे का और चैलेंज का भी लास्ट मील हो चुका है। अब ये चैलेंज चलता रहे, हमें क्या लेना, हमने तो खा लिया, अब खा के सो जाना है और उठेंगे तब तक चैलेंज खत्म भी हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं आपको सुबह जब चैलेंज ख़त्म होने वाला होगा। गुड नाइट। तो आज का चैलेंज वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है क्योंकि ये है नेक्स्ट डे 27 सितंबर। आई नो ये थोड़ा लेट रिकॉर्डिंग हो रहा है, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है। It's currently 1 PM in the afternoon. अगर आपको ये चैलेंज अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और मुझे ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट फूड कलर चैलेंज कौन सा करूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है नेक्स्ट के लिए, तो आप मुझे उसमें से बताइए नेक्स्ट वीक में मैं कौन सा कलर फूड चैलेंज करूँ। पहला ऑप्शन है पर्पल एंड सेकेंड ऑप्शन है ब्लैक। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। मेरी वीडियोस पे शाउट आउट चाहिए है तो आपको सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है विद द फैमिली एंड द फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में लिखना है ऑल डन विद योर नेम। सो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बोलता सुश्मीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो टाटा।